हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 2 का इंग्लिश विषय पढ़ाने जा रही हूँ। वो हम देखेंगे आज पार्ट नंबर हमारा है 7। तो आज हम पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे, ए एंड एन। तो क्या हुआ, ए और एन हम आज पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा में ए और एन दो आर्टिकल हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या है, ए ऑन एन दो आर्टिकल दिए जाते हैं हमारे। अंग्रेजी वर्णमालाओं में ए आई आई ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर होते हैं, बाकी सभी 21 मूलाक्षर व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू ये हमारे 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 मूलाक्षर व्यंजन होते हैं। एक वचन में प्रयोग में आने वाले और व्यंजन के उच्चार से शुरू होने वाले जातिवाचक नाम के पहले ए आर्टिकल और स्वर से शुरू होने वाले उच्चारण वाले जातिवाचक नाम के पहले एन आर्टिकल लगता है। क्या दिया है, एक वचन में प्रयोग में आने वाले और व्यंजन के उच्चार से शुरू होने वाले जातिवाचक नाम के पहले ए और स्वर के शुरू होने वाले उच्चारण से जातिवाचक नाम के ए एन आर्टिकल लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बॉल, क्या है ए बॉल, फिर क्या है ए हैं, फिर ए पेन, फिर ए डॉग और ए कैप। अब यहाँ क्या दिया, एन एप्पल, एन एग, एन इंपोर्ट, एन ओवल, आउल, एन अम्ब्रेला। तो इस तरह से हमको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ देखो हम फन टाइम हमारा पढ़ेंगे, यानी कि हमारा एक्सरसाइज। चित्रों के साथ दिए हुए नामों के पहले ए अथवा एन आर्टिकल लगाइए। चित्रों के दिए हुए नामों के पहले ए अथवा एन आर्टिकल लगाइए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारा ए टेबल, क्या हुआ ए टेबल, फिर क्या होगा एन एप्पल, क्या है एन एप्पल, फिर एन आयरन ए ग्लास, एन आयरन ए ग्लास, फिर एन ओवल ए कार, एन ऑनियन ए हैट। तो हम यहाँ खाली जगह में इस तरह से लिखेंगे। तो देखो यहाँ हमको जातिवाचक दिए हुए हैं और यहाँ जातिवाचक नाम दिए हुए हैं, तो उनके पहले क्या लगता है, ए आर्टिकल और स्वर से शुरू होने वाले उच्चारण वाले जातिवाचकों को क्या दिए हैं, एन आर्टिकल। तो हमारे जो स्वर हैं ए ए ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, वो स्वर से जो नाम शुरू होगा उसमें क्या आएगा, एन होगा, क्या होगा एन होगा, और जो हमको 21 मूलाक्षर व्यंजन दिए हैं उनमें हम ए लगाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ए टेबल एन एप्पल, तो ये हमारा क्या होगा स्वर है, ये क्या है हमारा स्वर है, ए क्या है स्वर है, तो क्या लगाएंगे एन, ये आई क्या है स्वर है तो एन, फिर ए ग्लास, ए यहाँ पे क्या ओ आया है तो क्या होगा हमारा स्वर है तो क्या करेंगे एन लगाएंगे एन, ए कार, फिर ये ओ है तो क्या होगा स्वर है तो एन ओनियन, फिर ए है, फिर यहाँ पे क्या है हमारा स्वर दिया है तो एन आइसक्रीम लगा देंगे, फिर यहाँ व्यंजन है तो क्या होगा ए कैट, फिर यहाँ पे देखो हमारे स्वर वापस दिया हुआ है तो क्या होगा एन एरोप्लेन, फिर यहाँ पे क्या है ए सिप, फिर यहाँ पे ए दिया है तो एन एक्स, क्या होगा एन एक्स, यहाँ पे ए टूथब्रश, अब यहाँ पे एन एलिफेंट, तो एलिफेंट ई हमारा क्या है स्वर है, क्या है स्वर है तो एन लगाएंगे, ओ हमारा स्वर है तो इसमें भी एन लगेगा, फिर एन एराव, तो ये भी हमारा स्वर है तो यहाँ भी एन लगेगा, ई एन इंजन, तो यहाँ भी ई हमारा स्वर है तो क्या होगा इंजन, ए पर्स, एन एग, ये ई आ गया तो स्वर हुआ ना तो एन लगेगा, यहाँ ए पिकॉक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए पिकॉक, फिर एन ईगल, क्या होगा एन ईगल, फिर ए जीप, क्या है ए जीप, एन अंट,
ये ए है हमारा स्वर है तो क्या होगा एन अंट। अब एन अम्ब्रेला तो क्या होगा एन आएगा। फिर एन इंक पॉइंट हमारा स्वर है तो क्या करेंगे एन इंक पॉइंट और यहाँ पे ए काइट और ए बुक। तो बच्चों इस तरह से हमको ये एक्सरसाइज करनी है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, ये हमारे स्वर हैं ए ई आई ओ यू, क्या हैं स्वर हैं। और दूसरे जो हमारे हैं वो क्या है बी है एच है पी है डी है, ये हमारे क्या है व्यंजन हैं। तो हमको जहाँ ये पांच स्वर होंगे वहाँ क्या लगाना है एन लगाना है, क्या लगाना है एन लगाना है। और दूसरे 21 जो मूलाक्षर हमको व्यंजन दिए हुए हैं उनमें हमको क्या लगाना है ए लगाना है, क्या लगाना है ए लगाना है। तो यहाँ पे हमको देखो यहाँ पे दिया ए बॉल ए हैन ए पेन ए डक ए कप ए कैप। तो इस तरह से हमको ये क्या है, ये क्या है हमारे व्यंजन है, क्या है व्यंजन है। और ये क्या है एन एप्पल एन एग एन इंकपॉट एन ओवल एन अम्ब्रेला, ये सब हमारे क्या है, क्या है बच्चों ये सब हमारे स्वर है, क्या है ये पांच स्वर हैं और 21 व्यंजन हैं। तो जहाँ भी हमको ए दिखे ई दिखे आई दिखे ओ दिखे और यू दिखे तो हम क्या करेंगे एन लगा देंगे, क्या देंगे एन लगा देंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या है ए टेबल, क्या है ए टेबल। फिर एन एप्पल ये क्या हुआ हमारा स्वर हुआ, क्या हुआ स्वर हुआ तो एन एप्पल। फिर एन आयरन तो यहाँ भी एन लगाएंगे। ए ग्लास, ग्लास हमारा क्या है व्यंजन है तो ए लगाएंगे। फिर एन ओवल तो ओ आया ना तो ओ आएगा तो एन लगेगा। फिर ए कार, फिर ऑनियन तो ओ आया तो हमारा स्वर लगेगा ए एन और हैट तो ए लगेगा। फिर आई आया तो बच्चों यहाँ पे क्या है हमारा एन, तो ये क्या है स्वर है इसलिए हम लगाएंगे एन आइसक्रीम। फिर ए कैट, फिर एन एरोप्लेन ए सिप, क्या हुआ एन एक्स तो ये हमारा क्या है स्वर है तो एन एक्स। फिर ए टूथब्रश, क्या हुआ ए टूथब्रश एन एलिफेंट एन एलिफेंट एन ऑरेंज तो ये हमारे स्वर है इसलिए एन एन लगेगा। फिर एन एराव एन इंजन ए पर्स एन एग। फिर ए पिकॉक एन ईगल ए जीप एन एंट एन अम्ब्रेला एन इंक पॉइंट ए काइट और ए बुक। तो बच्चों इस तरह से हमारे ये पांच स्वर दिए हुए हैं और 21 मूलाक्षर, इसी 21 मूलाक्षर व्यंजन दिए गए हैं। तो आपको ये पेज नंबर 30 में तो लिखा हुआ है तो खाली आपको पेज नंबर 31 आपको वीडियो में से देख के भर लेना है। तो पेज नंबर 31 आपको कंपलसरी ही स्वाध्याय पोथी में भरना है। तो आपको मैंने जितने पार्ट 7 तक मैंने आपको चैप्टर 7 तक आपको मैंने पूरा कराया है वो आपको स्वाध्याय पोथी में पूरा करना है। और आगे मैं आपको अगले पीरियड में चलाऊंगी, पर आप अपनी स्वाध्याय पोथी कंप्लीट रखेंगे, जब भी आपकी स्वाध्याय पोथी मंगाई जाएगी तो आपको स्वाध्याय पोथी कंप्लीट करके रखनी है और कभी भी आपकी स्वाध्याय पोथी स्कूल में हम मंगा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ये कंप्लीट करके रखना है। और ये स्वर व्यंजन भी मैंने आपको सिखा दिए हैं तो आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे कि बुक में से तो आपको आ जाएंगे। तो आज के लिए आपको मैं इतना ही करा रही हूँ और बाकी का आपको अगले पीरियड में कराऊंगी। तो आप स्वर और व्यंजन अपने आप से देख के करेंगे, नहीं पता चले तो वीडियो मैंने भेज रही हूँ, वीडियो में से देख के करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।